Assalamu alaikum for class. It's a science lecture. We are solving unit 1, the human body. Aaj hum solve karenge workbook page 9 pe short questions, question number 1 and 2. Uske alawa hum notebook question 1 jo hai wo solve karenge. Notebook question jo hai ye aap jaise maine write kiya hai, jaise hum pehle notebooks pe write karte the, waise hi aap apni notebooks ke upar write karenge. Ab hum start karte hain first question. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो जॉइंट्स इन आवर बॉडी. कि अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका. तो पहले हम रिकॉल करते हैं कि जॉइंट्स कहते किसे हैं. तो हमें पता है कि जॉइंट वो पॉइंट जहां पे टू बोन्स आपस में मीट करती हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं. तो जहां पे बोन्स मीट करती हैं आपस में, डिफरेंट बोन्स, लेग्स हैं, फिंगर की बोन्स हैं, हमारे हाथों की बोन्स हैं, पांव में, घुटनों में, नीज में और पूरी बॉडी में जहां-जहां पे भी बोन्स आपस में मीट करती हैं टू बोन्स और वहां पे मूव करती हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं. तो अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स जो हैं वो नहीं होंगे तो हम मूव नहीं कर सकेंगे. फॉर एग्जांपल ये हमारी नीज है, ये एंकल है. अगर यहां पे ये जॉइंट्स नहीं होंगे, टू बोन्स आपस में मीट जहां पे कर रही हैं यहां पे जॉइंट नहीं होंगे, तो ये बोन्स जो है वो मूव नहीं कर सकेंगी तो हम भी मूव नहीं कर सकेंगे. इसी तरह हमारे शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, हमारी नेक में जॉइंट्स हैं, हमारी यहां बैक बोन में जॉइंट्स हैं. अगर ये तमाम जॉइंट्स नहीं होंगे तो हम अपनी बोन्स को आगे पीछे मूव नहीं कर सकेंगे. तो इट मींस कि अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि वी विल नॉट बी एबल टू मूव. तो हम मूव नहीं कर सकेंगे. आई होप इज इट क्लियर. सेकंड क्वेश्चन है आर योर बोन्स अलाइव. कि क्या आपकी बोन्स जो हैं वो अलाइव हैं, यानी वो ग्रो कर सकती हैं, उनके टिश्यूज जो हैं वो लिविंग हैं. तो आपको पता है जब भी किसी कभी कोई फ्रैक्चर हो जाता है, बोन्स टूट जाती हैं, तो क्या होता है कि उसको बैंडेज करते हैं, प्लास्टर वगैरह लगाते हैं, तो कुछ महीनों के अंदर या कुछ वीक्स में बोन्स ठीक हो जाती हैं. वो कैसे ठीक हो जाती हैं? बोन्स जो टूट जाती हैं वो भी आपस में दोबारा से जुड़ जाती हैं और फिर से हम मूव करने लगते हैं. उसकी रीजन क्या है? क्योंकि बोन्स के जो टिश्यूज हैं वो लिविंग टिश्यूज हैं, वो जिंदा टिश्यूज से मिलके बनी हुई होती हैं और वो जो टिश्यूज हैं वो ग्रो करते रहते हैं और उनके ग्रो करने की वजह से बोन्स जो हैं वो खुद को रिपेयर करती हैं और हम दोबारा से चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं. तो हम यहां पे क्या राइट करेंगे कि यस बोन्स आर अलाइव because they have living tissues. Bones जो हैं वो alive हैं, जिंदा हैं, क्योंकि bones किन tissues से मिलके बनी होती हैं? Living tissues से. वो जिंदा tissues से मिलके बनी हुई होती हैं, इसलिए bones क्या हैं? Alive हैं. Workbook page number 9 पे जो 2 short questions से वो हमने solve कर लिए हैं. ये आपने spelling ध्यान से write करने हैं. उसके बाद हम आते हैं notebook question की तरफ. आज हम अपना notebook question number 1 जो है वो solve करेंगे. नोटबुक क्वेश्चन नंबर 1 है. इस तरह से आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर राइट करना है. जो आपके मार्जिन लाइन है उसके इस साइड पे आप यूनिट यू लिखेंगे, सामने आप 1 लिखेंगे, लेसन यहां पे आप नेम लिखेंगे मार्जिन के सामने, उसके बाद टॉपिक, टॉपिक है हमारा क्वेश्चन आंसर. उसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 राइट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्केलेटन. कि हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं, स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स है, स्केलेटन है, उसका मेन फंक्शन क्या है. स्केलेटन हम किसे कहते हैं? ये जो हमारी बॉडी का फुल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स है इसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटन. इसमें हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं वो सारी इस स्केलेटन में शामिल हैं. तो इस जो ये जो स्केलेटन है इसका मेन फंक्शन क्या है, अब हम पढ़ते हैं. इसका फर्स्ट फंक्शन है गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी. ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. इसके अलावा हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम स्टैंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल बैकबोन. अगर हमारी बैकबोन नहीं होगी, ये सेकंड पेज है. फॉर एग्जांपल बैकबोन. अगर हमारी बॉडी में बैकबोन नहीं होगी तो हम मूव नहीं कर सकेंगे, बेंड नहीं कर सकेंगे, चल फिर नहीं कर सकेंगे और सीधा खड़ा भी नहीं हो सकेंगे. सेकंड इसका फंक्शन क्या है स्केलेटन का? कि गिव शेप टू द बॉडी. ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है.
अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होंगी तो हमारी बॉडी की कोई शेप नहीं होगी, इसलिए बोन्स का जो स्केलेटन है ये हमारी बॉडी को शेप भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसका थर्ड फंक्शन है कि प्रोटेक्ट वेरी इम्पोर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स, कि हमारी बॉडी में जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट और सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमारी जो स्कल है, यहाँ पे आप देखें ये स्कल है, स्कल जो है किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारे ब्रेन को। अगर स्कल नहीं होगी तो ब्रेन पे ज़रा सी भी चोट लगने से उसमें डैमेज होगा ब्रेन, और वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगा। तो इट मीन्स ये जो स्कल है हमारा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन है ब्रेन, उसको प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा हमारी जो रिब्स हैं, ये आपको नज़र आ रही है, ये हमारी रिब्स हैं। रिब्स के नीचे वाली साइड पे हमारा हर्ट भी प्रेजेंट होता है और हमारे लंग्स भी। लंग्स भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और हर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्रोटेक्ट कौन करता है, रिब्स। और रिब्स क्या है, ये भी हमारे स्केलेटन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, नेक्स्ट लास्ट इसका फंक्शन है मूव द बॉडी, कि हमारा जो स्केलेटन है वो हमें मूव करने में हेल्प करता है। अगर ये हमारा स्केलेटन नहीं होगा, ये बोन्स लेग्स में नहीं होंगी, आर्म्स में बोन्स नहीं होंगी, तो हम मूव नहीं कर सकेंगे, अपने आर्म्स को भी मूव नहीं कर सकेंगे, अपनी लेग्स को भी मूव नहीं कर सकेंगे। फिर स्किन ही सिर्फ होगी, जस्ट मसल्स होंगे, और मसल्स जो है वो बोन्स के बगैर यूजलेस होंगे, मसल्स को हम मूव नहीं कर सकेंगे। मसल्स और ये बोन्स आपस में मिल के बॉडी को कंप्लीट करते हैं और हम मूव कर सकते हैं और वर्क करते हैं। ये जो नोटबुक क्वेश्चन है ये आपने अपनी नोटबुक्स पे राइट करना है और लर्न करना है, और इसके अलावा जो आपके रफ रजिस्टर हैं उसके ऊपर आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट जो नोटबुक क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।